पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। गिरधर प्रभु आ गए। आज काफी भक्त सेवा में है, कहीं पता नहीं, वो पता करना पड़ेगा। 22 जनवरी की तैयारी में है सब भक्त। चलिए पहले कुछ संतों का वाक्य पढ़ लेते हैं। आज मन में आई कि तुलसीदास जी महाराज जी की विनय पत्रिका से नित्य एक भाव पढ़ के आगे बढ़ा करेंगे, है ना। और विनय पत्रिका में भी मैंने नाम महिमा पर से शुरू करा है। ऐसा इसलिए कि इतनी बातें लाऊं कहाँ से, है ना। तो चलो अब ऐसा भी कर लेंगे, कभी विनय पत्रिका कभी पद रत्नाकर, है ना, मिक्सअप रखेंगे। पर गाने वाला मौजूद होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि विनय पत्रिका के इतना अभ्यास नहीं है मुझे। रामकृष्ण प्रभु रहेंगे तो रागों के साथ होगा। तो विनय पत्रिका में श्री राम नाम जप की महिमा, पहला पद है, राम राम रमु राम राम रटु, राम राम जपु जीहा, राम नाम नव नेह मेह को, मन हटी हो ही पपीहा, सब साधन फल कूप सरित सर, सागर सलिल निराशा, राम नाम रति स्वाति सुधा, शुभ सीकर प्रेम पियासा, गरजि तरजि पाषाण बरषि पची, प्रीति परखि जिय जाने, अधिक अधिक अनुराग उमंग उर, पर मिति पहचाने, राम नाम गति राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, है गए हैं जे होहिंगे, ते त्रिभुवन गनियत बड़भागी, एक अंग मग अगमु गवन कर, बिलमु न छिन छिन छाहे, तुलसी हित अपनों अपनी दिसी, निरुपधि नेम निभाए। इसका अर्थ है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हे जिह्वा, तू सदा राम राम में रमा कर, राम राम रटा कर और राम राम का जप किया कर। हे मन, तू भी राम नाम में प्रेम रूपी नित्य नवीन मेघ के लिए हट करके पपीहा बन जा, हट करके पपीहा बन जा। जैसे पपीहा कुआं नदी तालाब और समुद्र तक के जल की जरासी भी आशा न कर, केवल स्वाति नक्षत्र के जल की एक प्रेम बूंद के लिए प्यासा रहता है, ऐसे ही तू भी और सारे साधनों तथा उनके फलों की आशा न कर, केवल श्री राम नाम के प्रेम रूपी अमृत की बूंद में ही प्रेम कर। पपीहे पर उसका प्रेमी मेघ गरजता है, डांटता है, ओले बरसाता है, वज्रपात करता है। इसी प्रकार कठिन से कठिन परीक्षा करके पपीहे के अनन्य प्रेम को पूर्ण रूप से परख कर, जब वह इस बात को जान लेता है कि ज्यों ज्यों परीक्षा लेता हूँ त्यों त्यों इस पपीहे का प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता है, तब उसे स्वाति की बूंद मिलती है। इतना इंतजार करता है, ओले बरसते हैं, बारिश होती है,
हैं, उसकी चोंच भी टूट जाती है, ओले गिरते हैं तो चोंच भी टूट जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आती हैं उसके जीवन में, इसी प्रकार भगवान की दया से परीक्षा के लिए कैसा भी संकट आए, तुझे विचलित करने की चेष्टा क्यों ना करे, तू तो भैया अनन्य मन से श्री राम नाम की शरण ग्रहण कर। राम नाम में ही बुद्धि लगा, राम नाम का ही प्रेमी बन। ऐसे राम नाम के आश्रित जितने भक्त हो गए हैं, अभी हैं और जो आगे होंगे, त्रिलोकी में उन्हीं को बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। यह राम नाम में अनन्य प्रेम करने का एकांगी मार्ग बड़ा ही कठिन है। यदि तू इस मार्ग पर चला जाए तो क्षण क्षण में सांसारिक सुखों की छाया लेने के लिए ठहर कर देर न करना। हे तुलसीदास, तेरा भला तो अपनी ओर से श्री राम नाम में निरुपधि अर्थात निष्कपट प्रेम के निभाने से ही होगा। तो भैया तू राम जप, राम जप, राम जप बांवरे। ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा। तो भैया हमारा राम नाम से प्रेम हो जाए, जिस राम नाम को हम नित्य गाते हैं उस राम नाम से हमारा प्रेम हो जाए, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह आसान लगता है ना, है गिरधारी, यह आसान लगता है, सहज है। कोई कहे राम नाम, बोल क्या राम नाम तो कोई भी बोल लेगा, पर बोला नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, बहुत मुश्किल होता है निरंतरता रहना। भगवान कहते हैं तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगन, कि अनन्य चेता सततम, कि अनन्य चित्त से सततम, ये निरंतरता बहुत मुश्किल हो पाती है। साधक क्या होता है, 6 महीने अच्छी भजन करता है, फिर 2 महीने शांत हो जाता है, शांति पड़ जाती है उसके हृदय में, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, पड़े रहें ऐसे ऐसे ही पड़े रहें क्या, फिर विषयों में भी मन जाता है। आज एक संत कह रहे थे कि भगवान के भजन से मन हटते संसार की चीज़ें दृश्यमान होने लग जाती हैं, संसार के विषय दिखने लग जाते हैं। लेकिन अगर भजन होता रहे तो संसार के दृश्य दिखते हैं पर असर नहीं कर पाते हैं, असर नहीं कर पाते। कल प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे क्या कठिनाई है बताओ, जगत में रहते हुए ऑफिस का कार्य करते हुए क्या कठिनाई है भगवान का नाम लेने में। कह रहे किसी से आप बात कर रहे हो, मान लो मैं रामकृष्णपुर से बात कर रहा हूँ, रामकृष्णपुर ये है वो है हुआ, और फिर जैसे ही बात खत्म हुई एकदम से आँख मिची राधा, भीतर मन ही मन के लिए राधा, वापस चले गए राधा पर। फिर कोई काम करा ऑफिस का थोड़ी देर बाद, जैसे 5 मिनट का 10 मिनट का समय मिला या 1 सेकंड का ही क्षण मिला तो एकदम तुरंत भीतर जाएं और कहें राधा राम, जिसको जो नाम प्रिय हो। एक साधक ने प्रश्न लिख करके भेजा, जब राम नाम की इतनी महिमा तो जय श्री राधे क्यों बोलते हो सत्संग की शुरुआत में। मैंने कहा भाई अभी तू मेरे 2,500 वीडियो और हैं उनको सुन, तो पता चलेगा कि नाम कोई अलग नहीं है, सब एक ही तरफ जाते हैं। अब बाप को डैड भी कहते हैं, पॉप्स भी कह देते हैं, पिताजी भी कह देते हैं, पा भी कह देते हैं आजकल पापा तो किसी भी नाम से पुकारे भैया, नाम से संबोधन किसे हो रहा है, ये तो भगवान ने, भैया कहते हैं कि जिसकी जैसी रुचि उस हिसाब से भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। एक ने कहा मैं शंकर जी का नाम जपो भाई शंकर जी का नाम, एक ने प्रश्न किया ये इतने संप्रदाय बना रखे हैं किस लिए बना रखे हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि भाई जिसकी जैसी रुचि है उसे वैसे संप्रदाय में भेज दिया जाता है, भगवान ने उसकी वैसी व्यवस्था कर रखी है, और जिसका कोई संप्रदाय नहीं उसका भगवत संप्रदाय। महाराज जी ने कहा कि भैया कई लोग प्रश्न पूछते हैं, पूछे भैया भी कई बार बताते हैं कि कई लोग कहते हैं, कल महाराज जी ने भी कहा भैया पहले राम नाम जपना शुरू कर दो, भगवान का नाम जपना शुरू कर दो, उसके बाद गुरु मिल जाएंगे अपना। हम क्या कहते हैं पहले गुरु, पहले गुरुदेव चाहिए फिर नाम जपेंगे। भैया विभीषण ने कोई गुरु नहीं बनाया,
कोई गुरुजी नहीं बनाए थे। लंका में बैठकर भजन करना शुरू किया राम नाम का जप। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे लंका में बैठ करके, हमारे आसपास तो लंका भी नहीं है। हमारे मन में एक लंका जरूर है जिसे हमें जलाना है। महाराज जी ने कहा संसार, बाहर का संसार तो परेशान कर ही नहीं रहा, कोई आकर बाहर से आपको चिपकता है बार बार आकर, कोई नहीं चिपकता, मन में चिपकाहट है, मन में बैठा हुआ है राक्षस, मन के अंदर रावण बैठा हुआ है, उसे राम नाम से दबाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं बाहर की परिस्थितियां हमें बहुत प्रभावित करती, बाहर की परिस्थितियां छू ही नहीं रही तुम्हें आके, कैसे प्रभावित कर दिया बताओ। सारा खेला भीतर का है, मन का हुजड़ा साफ कर जाना के आने के लिए। तो भैया मन को साफ करना, और इस कलयुग में पूज्य बाबा कहते हैं मन को साफ करने का सर्वोत्तम उपाय, सबसे सरलतम साधन कोई है तो भगवान का नाम है, उससे सरलतम कोई साधन नहीं है। लीला चिंतन नहीं होता मत करो, जितनी देर लीला चिंतन का समय था उस समय नाम जप कर लो। एक बार एक भक्त थे, मैं कई बार बताता हूँ कि ब्रज के भक्त में था, उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा गुरुदेव नाम जप करूं या लीला चिंतन करूं, तो गुरुदेव ने कहा नाम जप करता है ना तो सब हो गया, नाम जप करता है तो सब हो गया, क्योंकि कृष्ण बोलते ही पूरी कृष्ण लीला आंखों के सामने से आ जाती है महाराज, राधा बोलते ही महाराज विश्वानुपुर दिखाई देने लग जाता है, बाबा भाई जी बोलते गीता वाटिका नेत्रों के सामने आ जाती है। तो ऐसे ही होना चाहिए महाराज। तो सारा खेल मन का है। मन से हम कुछ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जीभ से पकड़ लें भगवान के नाम को, फिर देखो भगवान कैसे हृदय में प्रवेश करते हैं। हम चाहते हैं सीधा नारायण प्रभु, हम चाहते हैं सीधा लीला चिंतन में प्रवेश कर जाएं, ऐसा भी होता है काका, ऐसा भी होता है, पर गुरु कृपा से होता है। गुरु चाहे तो कुछ भी दे सकता है। एक भक्त हुए, मैंने आज ही उनका पढ़ा, अंबादास जी, इतना विश्वास था इनका अपने गुरु जी पे, इनके गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास जी थे। एक दिन गुरुदेव ने कह दिया कि भाई देख इस वृक्ष की डाली को काटना है, ये वाली जो डाली है उसको काटना है। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव काट देंगे, लेके महाराज हथौड़ी और चल दिए। और जैसे ही काटने के लिए गए तो टहनी ऐसी थी कि उसके आसपास कोई और टहनी नहीं थी जिस पर पांव रख के काटा जा सके, तो उसी टहनी पर खड़े होकर उसे काटना था। और गिरे तो नीचे महाराज वो था, जल था बहुत ज्यादा गहरी, शायद कुआं था, तो उस कुएं में गिरता व्यक्ति जाकर। तो अंबादास जी चढ़ गए, चढ़े और काटने के लिए महाराज हथौड़ी मारने लगे, तो गुरु जी ने क्या किया नीचे से उकसाया, कह रहे अंबादास काट तो रहा है पर जिस टहनी को काट रहा उसी पे खड़ा है, तू ध्यान रखियो गिरेगा मर भी सकता है, प्राण चले जाएंगे। तो अंबादास ने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से सुरक्षित हूं मैं, आपकी कृपा का घेरा मेरे चारों तरफ है, तो मैं कैसे डूब सकता हूं, कैसे मर सकता हूं, क्या मौत आपकी कृपा के घेरे को तोड़ देगी क्या? ऐसी बात बोली तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा काट फिर, काट फिर। सारे शिष्य देख रहे हैं क्या होगा, भैया काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे, काटे, जैसे ही काटा और अंबादास जी सीधे कुएं में गिरे। सब शिष्यों ने सोचा भाई तो गिर गए, अब तो शायद ही मर जाए, लेकिन हुआ क्या, भक्तमाल में लिखा हो तो नीचे गए और जाते ही उन्हें अपने इष्ट रघुनाथ जी के दर्शन हुए, राम जी के साक्षात दर्शन हुए कुएं के भीतर। और उसके बाद राम जी ने उन्हें बाहर निकाला और वो जैसे ही बाहर निकले तो अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर गिरे, कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ और मुझे अपने इष्ट रघुनाथ जी के दर्शन हुए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम राम नाम रसिया श्री हनुमान अवध सरयू अति अभिराम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय बरसाना जय नंदगांव पावन राधे तेरो नाम श्री यमुना जी ललित लला बोले भक्तवत्सल भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया ऐसे अंबादास जी को दर्शन हुए और दर्शन होने के बाद गुरुदेव ने कहा आज से तुम्हारा नाम कल्याण है, तुम्हें देखने से कल्याण हो जाएगा व्यक्ति का, कल्याण तो होके रहेगा, कल्याण होके रहेगा क्योंकि हमें गुरुदेव ऐसे मिल गए हैं। अच्छा गुरुदेव ने कहा कि डाली काट दो, शिष्य ने अपने आप चूज नहीं करा कि मैं इस वृक्ष की डाली काटूंगा, है काका? हमारे मन में भी कई बातें आती हैं कि हम कुछ कर लें संसार में, ये कर लें वो कर लें ये कर लें ऐसा कर लें वैसा कर लें, बहुत बातें आती हैं। तो जब हम उसे जाने आते हैं तो हम कई बार पतन हो जाता है हमारा, क्यों हो जाता है? क्योंकि गुरुदेव से पूछ के किया हुआ कार्य नहीं है, गुरुदेव कहेंगे। वैसे तो गुरुदेव की कृपा हर क्षण रहती है, उस पतन में भी आपका उत्थान निश्चित है। आप गिरोगे पर इतनी जोर से चोट नहीं लगेगी जितनी जोर से लगनी चाहिए थी, आप बच जाओगे। क्योंकि भगवान से जिसका एक बार संबंध हो गया, भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का क्या बात है भैया, नहीं बताया था शायद एक बार यहाँ पे कि प्रारब्ध में लिखा है एक क्विंटल लोहा आपके मुख पर गिरना है। तो भैया भगवान चाहेंगे तो वो लोहा भी गिर सकता है, और भगवान की कृपा हुई तो वो एक किलो लोहा एक किलो फूल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी ही बात है महाराज। अच्छा लोहा गिरना भी हमारी चाह पे डिपेंड करता है। भगवान अगर कुछ सिखाना चाहें, भगवान को समझाना चाहें गौरांग प्रभु, तो कुछ भी कर सकते हैं महाराज, है ना? विश्वास होना चाहिए गुरु के वचनों पर। अच्छा गुरु जी ने कह दिया कल्याण होगा, इसी जीवन में आपको भगवान के दर्शनों की प्राप्ति होगी, भगवान आपसे मिलेंगे, भगवान मिलना चाहते हैं आपसे, तो साधक क्या होता है, निश्चिंतता होनी चाहिए उसके मन में। किस बात की? कि हाँ मुझे भगवान मिलेंगे। पर जो विरह है, जो व्याकुलता होनी चाहिए, हो सकता है 10 साल बाद मिल रहे हो और आपकी व्याकुलता एक घंटे में काम कर दे उसको, क्यों काका? क्या पता वो व्याकुलता एक घंटे में काम कर दे। वो जब प्राची दीदी ने कहा था किसी को 10 साल बाद किसी को इतने साल बाद भगवान की प्राप्ति होगी, नारदीय भगवत निकुंज के बच्चों को, अच्छा किसी को पता चल गया, मान लो ध्रुव जी को पता चला मुझे प्राची दीदी ने कहा 10 साल बाद भगवान मिलेंगे, अब ये 10वें साल में ही मंदिर आए 10 साल मंदिर नहीं आए, वे 10वें साल होंगे
कितना 2024 चल रहा है, 2034 में ध्रुव जी आ रहे हैं। तो प्राची दीदी एक और मैसेज भेजेंगे, 10 साल और लगेंगे। स्टार और वो लिखाता हूँ। अच्छा नीचे लिखा टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। तो वहां पर बोला था कि भैया जिसकी व्याकुलता होगी उसे 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 10 क्षण भी नहीं लगेंगे। तो व्याकुलता तेज करनी है, होगी कैसे? कीर्तन, भगवान नाम के आश्रय में। भगवान, एक महाराज जी से आज किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी गृहस्थ में रहकर भगवत प्राप्ति कैसे हो? किसी ने कह दिया गृह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल विशाल, इतने गृहस्थ के कार्य हैं। तो महाराज जी ने कहा कि मैं सुगमता से उपाय बता रहा हूं, 1 घंटा भगवान का नाम कीर्तन करना है तुम्हें, और कुछ देर ज्यादा 15-20 मिनट आपको गीता रामायण भक्तमाल जो भी आपके पास पुस्तक है उसका स्वाध्याय करना, निश्चित कल्याण होगा। पूज्य मल्लुकपीट सरकार ने कहा निश्चित कल्याण होगा, ये गारंटी है कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। वो भी नहीं होता है, वो भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए रखा गया था कि महाराज जी हमें बहुत व्याकुल साधक समझें, महाराज जी हमें बहुत व्याकुल साधक समझे कि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। 2-4 काका वगैरह मेरे से पूछा आके, अंगद जी इतने व्याकुल हो आप, भगवान की प्राप्ति का प्रश्न पूछा आपने और अंगद जी का सीना 56 से डबल हो गया, 128, थोड़ी देर में पता चला हार्ट अटैक आ गया है, ज्यादा फूल गया था। तो प्रश्न केवल प्रश्न पूछने के लिए, पर भैया जब गुरुजी के वचनों पर विश्वास हो, गुरुजी ने कह दिया तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, राधा माधव दर्शन देंगे, फिर तो व्याकुलता ऐसी बढ़ जानी चाहिए। आह भजन ऐसा होना चाहिए, होना करना नहीं पड़ेगा फिर होगा। महाराज जी कहते हैं फिर भजन होता है, करना नहीं पड़ता, माला उठाने के लिए बोझ नहीं लगती माला, फिर माला में आनंद आता है, फिर माला में आनंद आता। कल मैं देख रहा था मेरी रात को ना 5 माला रह गई, मैं रात को सो रहा बड़ा, बहुत नींद आ रही थी, बहुत ज्यादा हद धो रही थी, बिल्कुल इतनी नींद आ रही थी, मेरा हाथ यूं गिर रहा था बार बार, माला यूं करूं फिर यूं, वो 1 माला नहीं बढ़ के दे रही थी काका, आखिरी की 5 मालाएं ऐसे हुई है बता नहीं सकता। फिर सुबह उठ के अभी बोझ लग रहा है नाम जप, अभी भी रुचि नहीं बनी है उतनी, नहीं तो उठकर बैठता और 5 मालाएं सीधे सीधे आराम से पूरी करता, आराम नहीं लगा, आराम सोने में महसूस हो रहा था, फिर भी करी जैसे तैसे टुलक टुलक के, मैंने कहा पूरी तो करनी है भाई। तो नाम में जब प्रेम हो जाता तो बोझ नहीं लगता। गुरुदेव ने कहा भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे तो और हमारी चाह बढ़नी चाहिए, और जल्दी गुरुदेव को ऐसा लगे यार ये रह नहीं पाएगा भगवान के बिना, और जल्दी भगवान का भजन और त्वरा बढ़नी चाहिए, आलस से प्रमाद नहीं आना चाहिए कि भैया मंदिर में ही नहीं आ रहे। कोई 5 दिन मंदिर नहीं आता है, मान लो 5 दिन गौरांगपुर अपने गांव चले गए, गौरांगपुर को उदाहरण से ले लेता हूँ, ये मेरे प्रिय हैं, और 5 दिन गांव चले गए तो जब ये वापस आएंगे ना इनके मन में चिंता होगी, अरे यार ये काम अधूरा रह गया था फटाफट पूरा करना, ये काम अधूरा रह गया था ये करना, घर में ये सामान लाना था, ये सामान ला, सारी चीजें मन में आएंगी, पर ये मन में नहीं आएगा कि यार मैं 5 दिन हो गए मंदिर नहीं गया था, क्या मैंने भगवान के उस समय की भरपाई करी, नहीं आता मन में, आना चाहिए। प्रतीक भैया आ गए काफी दिनों बाद, खिला दिया आपने। तो मन में ये बात आनी चाहिए। अच्छा 3-3, 4-4 महीनों में मंदिर आते हैं, उसके बाद कोई वो नहीं होता चेहरे पर, कोई दुख नहीं होता काका, सच बता रहा हूँ काका, दुख नहीं होता बिल्कुल भी, ऐसा लगता है एंजॉय करने आ रहे हैं। यस नहीं 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 रघुनाथ जी बात चलेगी नहीं, नहीं छोड़ेंगे नहीं हम किसी को भी, 4 महीने वालों को भी खिंचाई होनी जरूरी है। चलो 4-5 महीने के ले लेते, रघुनाथ जी की बात रख लेते, गुरुदेव हमारे
तो भैया 4-5 दिन बाद आए तो उसकी भरपाई करनी चाहिए। भरपाई कैसे करनी चाहिए? भगवान के सामने दुख होना चाहिए, भगवान से कहें कि प्रभु मेरे को इतने दिन के लिए कहीं मत भेजा करो, जो काम हो जल्दी जल्दी करवाया करो। ऐसी हृदय से प्रार्थना करेंगे ना। अब हमारे रघुनाथ जी हैं, इनके मन में सदा से थी कि मैं 7:30 बजे कीर्तन में आऊं, तो इनकी व्यवस्था वैसी ही बनी हुई है। अब ये चाह के भी व्यवस्था नहीं तोड़ सकते, क्योंकि भगवान को इनकी आदत हो गई है, भगवान को इनकी आदत हो गई है ना, भगवान को इनकी आदत हो गई है, भगवान इनके बिना नहीं रह सकते। ये कहीं होंगे तो भगवान इन्हें जल्दी जल्दी बुलाएंगे। तो ऐसी ही बात है महाराज, हमारे हृदय में दुख होना चाहिए हैं? जी माँ, तभी आप आ पा रहे हो माँ, आदत हो गई है हमें भगवान की। हाँ कल सुना दी थी रघुनाथ जी, आप लेट हो गए थे। तो क्या हुआ, देखो भैया भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं, बस अनुभूत करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो दृष्टि चाहिए, वो चश्मा चाहिए, और वो चश्मा सत्संग से मिलता है। एक संत हुए, वो अफगानिस्तान में रहते थे, अफगानिस्तान से उनके मन में आए कि मुझे, वो भगवान शंकर के भक्त थे, उनके मन में आए कि मुझे भगवान के दर्शन करने, व्याकुलता जागृत हुई। तो उनको प्रेरणा हुई कि मैं, काका वो कहाँ पर है, वो जो इधर पड़ता है नर्मदा क्षेत्र, नहीं नर्मदा क्षेत्र नहीं, भगवान शंकर का है ना इधर, उज्जैन। तो मन में आई कि, प्रेरणा हुई कि उज्जैन जाना चाहिए, उज्जैन में कोई गुरुजी मिलेंगे तुम्हें। उज्जैन आए, उज्जैन में आकर एक संत को उन्होंने गुरु बनाया, उन संत ने दीक्षा दी और उन्होंने कहा कि भैया भगवान शंकर का भजन करना चाहता है, भगवान शंकर के दर्शन चाहता है, तो यहां से जा तू नर्मदा क्षेत्र में चला जाए। और वहां पर नर्मदा क्षेत्र में एक बड़ी परिक्रमा होती है, कितने सालों की होती है वो हैं? 12 साल की कुछ ऐसे होती है, लेकिन वैसे उसका नियम 12 वर्ष का, नियम 12 वर्ष का, करने वाले 6 महीने भी करते, करने वाले तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से कर देंगे उनका क्या। एक व्यक्ति बता रहे थे कि मेरे को एक शायद न्यूज एंकर ही थे, उन्होंने कहा कि मुझे केदारनाथ में एक वो व्यक्ति मिला, शायद वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं वो, केदारनाथ में एक व्यक्ति मिला, उससे मैंने पूछा कि भाई तू नंगे पाँव इतनी ठंड में, तो तुम इतने मतलब तपस्या करके मतलब कैसे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर नंगे पाँव इसलिए क्योंकि मैं पैदल आ रहा हूँ अपने घर से, पैदल तपस्या करे, अगर आसपास ही शंकर भगवान का दर्शन करना तो बहुत मंदिर थे, पर इतनी दूर केदारनाथ जी का दर्शन करके करने आ रहा हूँ, तो कुछ तप तो होना चाहिए, कुछ तप तो होना चाहिए, तो इसलिए नंगे पाँव आया हूँ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो भैया कई हजारों किलोमीटर चल के वो केदारनाथ पहुंचे। तो ऐसी बात उन संत के साथ हुई, उन्होंने कहा कि भैया जाकर नर्मदा जी की परिक्रमा दो, नर्मदा जी की परिक्रमा उन्होंने दी। और जब परिक्रमा करने लगे, क्योंकि साधु तो थे ही और भजनानंदी थे, तो साथ साथ में उनके महाराज जब वो परिक्रमा देने लगे तो लगभग 2000 सन्यासी उनके साथ परिक्रमा देते थे, 2000 सन्यासी साथ में थे। सोचो 2000 सन्यासी कैसे साथ में परिक्रमा देते होंगे, खूब परिक्रमा दी महाराज। लगभग 42 वर्ष उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा करी, 42 वर्ष। और परिक्रमा करने के बाद बड़े निराश हो गए, क्योंकि भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। और जब ऐसी मन में बात आई कि यार इतने वर्ष हो गए परिक्रमा लगाते हुए, भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए, भगवान से बड़ा प्रेम करते थे, जो व्याकुल होगा ना वो रह नहीं पाएगा भगवान के बिना, जो सच में आकुल और व्याकुल होता है, तरु छाया फल जाने सोई, वही छाया का जो धूप में घूमा है उसे ही वृक्ष की छाया का जो फल है ना वो महसूस होता है। उन्होंने तपस्या करी थी, तो एक दिन रात्रि को जाकर नर्मदा जी में सोचा कि आज प्राण दे दूंगा,
आज प्राण दे दूंगा, मैं रह नहीं सकता भगवान के दर्शनों के बिना, ऐसी व्याकुलता उनके हृदय में थी। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, हे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, बड़ा बेचैन हूं तुम बिन मुझे देखो जरा कर, फिर दिन आता है कि मर जाऊं जहर खा कर, तो फिर संत थे वो नर्मदा जी में जाकर रात्रि को खड़े हो गए, और जितना जितना गहराई में जाते उतना उतना उनकी जो जल है वो कटी तक रह जाता, नर्मदा जी का जल और नीचे उतर जाता। तो बार बार सोचने लगे यार जितनी गहराई में जा रहा हूं नर्मदा जी कमर से ऊपर ही नहीं जा रही, तो लगता है मौत भी मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, तो मृत्यु भी नहीं आना चाहती है। तो बहुत रुदन करने लगे वहीं पर, भैया इतना जल था नर्मदा जी में कि हाथ ही डूब जाए उसमें, इससे भी गहरी समझ लो। और वहाँ उस स्थान पर जाकर के तो वो डूब नहीं रहे, तो रुदन करने लगे कि मैं डूब क्यों नहीं पा रहा हूँ। इतने में क्या हुआ, एक छोटी सी बालिका वहीं पर प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटी भगवान नहीं मिल रहे मुझे,
तो उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो, भगवान नहीं मिल रहे तुम्हें, भगवान तो तुम्हारे साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान साथ रहते हैं? तो उन्होंने कहा आप हो कौन? तो उन्होंने कहा मैं नर्मदा हूँ, मैं नर्मदा हूँ और मैं सच कहती हूँ भगवान तुम्हारे साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ रहते हैं? कहने लगे तुम्हारे साथ 2000 साधुओं की टोली चलती है। कहने लगे हाँ चलती है। कह रहे उसमें आगे आगे आ जाए महाराज। थोड़ा स्पेस रखिएगा भैया आएंगे ना, थोड़ा सा स्पेस। तो नर्मदा जी ने कहा कि भैया भगवान तो आपके साथ रहते हैं, इतनी बात बोले। तो उन्होंने कहा कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा 2000 साधुओं की टोली तुम्हारे साथ जो परिक्रमा लगाती थी ना, उनमें तुम्हारे साथ जो चलते थे सबसे आगे, वो साक्षात भगवान शंकर हैं, साक्षात भगवान शंकर हैं, ऐसी बात बोली। तो उन्होंने कहा, उनका कुछ नाम था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं भोलानाथ नहीं था, कुछ और था, गंगदास कुछ इस तरीके से कुछ नाम। वो संत हुए बहुत बड़े, उसके बाद उनका शरीर काफ़ी दिनों तक रहा, जिनको शंकर भगवान कहा ना, उनका शरीर, उनको लोग संत ही मानते थे, ये संत हैं कोई, पर वो थे साक्षात भगवान शंकर। तो नर्मदा जी ने कहा कि जाओ और आपके आश्रम में, जहाँ तुम्हारा आश्रम है उसमें तुम्हारे जो वो साथ रहते हैं ना, सारे भक्तों के प्रसाद के बर्तन वो पूरी रात धोते हैं, नित्य जितने भी साधुओं का प्रसाद बनता है 2000 साधुओं का, उनके जितने भी झूठन होती है जो साफ करनी होती है, वो शंकर भगवान साफ करते हैं। और अभी भी तुम अपने आश्रम में जाओगे ना तो बर्तन मांजते मिलेंगे तुम्हें। ओ भाई गए फटाफट, दौड़े वो तो फटाफट निकले। कहने लगे अच्छा माँ ऐसी बात है। दौड़ते हुए गए आश्रम में, गए तो महाराज वही साधु बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन मांज रहे, बर्तनों को साफ कर रहे हैं। और जाकर उन्होंने पैर पकड़े, कह रहे कि आप साक्षात शंकर भगवान। तो उन्होंने कहा अरे गुरुदेव मैं कहां शंकर भगवान। कह रहे नहीं नहीं आप साक्षात शंकर भगवान हो, नर्मदा जी ने मुझे इससे कहा है। तो नर्मदा जी ने एक बात कही थी, अगर आप ऐसा कहोगे तो मानेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं। तो इतने में क्या, वो बर्तन साफ करे फटाफट और वो जाने लगे, जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप साक्षात शंकर भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो आप। वो चलते चले जा रहे हैं सीधे सीधे, और जैसे ही उनकी चित्कार निकली कि आप साक्षात शंकर भगवान हो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो, नेत्रों में आंसू भर आए। तो तत्काल महाराज उन्होंने पलट के देखा, और जैसे ही पलटे तो महाराज शंकर भगवान साक्षात त्रिशूल ले खड़े थे, त्रिशूल लिए खड़े थे और उनके नेत्र भर आए कि यार शंकर भगवान इतने सालों से मेरे साथ थे निरंतर, और मुझे नित्य दर्शन, क्या सेवा भी करी उन्होंने, सारे साधुओं की सेवा करी। और उसके बाद जैसे ही वो मुड़े, उनका कुछ नाम था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, काफी वर्षों तक वो रहे महाराज। लोग उन्हें संत ही कहते थे, और संत के हिसाब से उन्हें अपना उन्होंने भजन किया और शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे भगवान नित्य हमारे साथ रहते हैं महाराज, नित्य हमारे साथ रहते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा क्षण आएगा जिस दिन हम पर अपने गुरुदेव की कृपा होगी और वो नेत्र हमारे जागृत हो जाएंगे, जिन नेत्रों से भगवान दिखते हैं, उस दिन कृपा का ऐसा फल मिलेगा महाराज। ये जो हम सोचते हैं ना कि मजबूरी में भजन चल रहा है, ये मजबूरी का भजन भी भगवान मिलाएगा, ये मजबूरी का भजन भी, धक्का फेल हो रही है ना ये धक्का फेल भी, हम मन के साथ धक्का फेली तो कर रहे हैं, जब नहीं लगता तब भी उसे जबरदस्ती मंदिर में ले आते हैं हम, कैसे ही ना कैसे। अरे आखिरी छोर भी पकड़ते हैं तो पकड़ते तो हैं, आरती दर्शन करने आ गए, आ तो गए, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, चल तो दी, अब उस बिल्ली की पूंछ तो मत खींचो। तो ऐसी बात है महाराज, और पूरी बिल्ली समय पे आ जाए तो काम हो जाए, और जल्दी काम हो जाए, काम तो होना है, और जल्दी काम हो जाए। वो जो भजन का मजा है ना, वो भजन का मजा तब आता है, मृत्यु के बाद भगवान मिले उसमें मजा नहीं है, मृत्यु से पहले जीते जी इन आंखों से चलते फिरते भगवान हमारे साथ खेलें, हमें नित्य लीलाएं दिखाई दें, जैसे अपने पूज्य भैया देखते हैं वैसे देखें हम, तब स्वाद आए कुछ भजन का,
प्राची दीदी कहती थी कुछ भजन तो नियम का होता है, कुछ स्वाद वाला भजन होना चाहिए, इसमें स्वाद आता है, हैं? नियम भी स्वाद ही समझ लो महाराज, क्योंकि कलयुग है, नियम भी स्वाद ही है रघुनाथ जी महाराज, है ना। बिना स्वाद के कोई नियम भी नहीं निभा सकता। एक इस्कॉन में एक महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी मैं 30 सालों से नाम जप कर रहा हूँ, मेरी नाम जप में रुचि नहीं हो रही है। कह रहे बिना रुचि के 30 साल कोई नाम जप कर नहीं सकता। बिना रुचि के ही कर रहे हो क्या 30 साल नाम जप? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भैया ऐसी ही बात है, मन तो कर रहा है एक भक्त का और चरित्र सुना दूं, भैया आ रहे हैं तो पता कर लूं। महाराज आ रहे हैं बिहारी। तो भैया क्या हुआ, भक्तमाल में एक चरित्र आता है गिरधर लाल जी का, गिरधारी गिरधर लाल जी का चरित्र आता है। गिरधर लाल एक संत हुए। बोलिए रघुनंदन प्रभु की जय। तो गिरधर लाल भक्तमाल में एक संत हुए, उनके पास उनके एक शिष्य आते थे, बहुत धनवान थे, धनाढ्य थे, बहुत पैसा था उनके पास, बहुत सेवा किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक शरीर छूट गया। तो उन धनाढ्य शिष्य का एक पुत्र था। अब क्या हुआ, उनके पिता के पास जितना रुपया पहले हुआ करता था ना, अब उसके पास नहीं था। किसी कारणवश सारा धन गायब हो गया उनके जीवन से। जब धन चला गया तो वो जो गिरधर लाल जी जो संत थे उनके पास वो वैश्य आता था, वो उनके शिष्य का पुत्र जो था वो आता, कहता कि गुरुदेव मैं जैसी सेवा मेरे पिताजी किया करते थे वैसी कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास धन का अभाव है, मेरे पास धन का अभाव है। तो बहुत प्रयास करता था सेवा करने का पर कर नहीं पाता था। एक दिन आकर के गिरधर लाल जी से कहा कि गिरधर लाल जी महाराज हमारे पास धन नहीं है, हम सेवा नहीं कर पाते हैं। तो गिरधर लाल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब कृपा होगी तुझ पर, अब कृपा होगी, तू धनाढ्य हो जाएगा, खूब सेवा करेगा तू। और थोड़े ही दिनों बाद उनका जीवन परिवर्तित हो गया। जैसे जीवन परिवर्तित हुआ, देखो महाराज संत की कृपा से जो धन आया ना उससे बुद्धि बिगड़ी नहीं, वरना आजकल तो यहाँ 2 रुपए ज्यादा कमाने लग जाए तो आदमी जूतों में स्प्रिंग लगवा लेता है, उछलता घूमता है, है ना, उछलता घूमता है। फिर वो रोड से नीचे नहीं उतर पाता है। एक पंजाबी गाना था, रोड ड्राइवर दी चंगी रोड नाल लियारी। रोड के साथ ऐसे जो धनाढ्य होते ना, फिर वो गाड़ी में ही रहता है, उतर नहीं पाता है वो। उसे लगता है कि यार गोविंद गोपाल की। तो गिरधर लाल जी से उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे पास धन ही धन आएगा, खूब सेवा करना बेटा। और महाराज उन्होंने सेवा करनी शुरू करी, और सेवा करते करते उनके एक दिन मन में आई कि यार जिन भगवान की मैं सेवा करता हूँ क्या उनके दर्शन भी होते हैं, क्या उनके दर्शन भी होते हैं क्या? तो जाकर गिरधर लाल जी से कहा कि मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो गिरधर लाल जी ने कहा जरूर होगी। तो उन्होंने कहा कुछ बता दीजिए भगवान की प्राप्ति कैसे करूँ। तो गुरुदेव थे गिरधर लाल जी, तो उन्होंने कहा कि प्रीतम प्रीत ही तो पहिए, प्रीतम प्रीत ही सो पहिए। जो प्रियतम है श्री कृष्ण है वो भगवान प्रेम करने से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा बात समझ में आ गई भैया, जिसे भगवत प्राप्ति करनी होती है ना उसे एक सेंटेंस में बात समझ में आ जाती है, और जिसे नहीं करनी होती उस पर 1000 कोड़े भी मारो, और अगर 1000 कोड़े खाने के बाद भी फिर वो तैयार हो अगले 1000 के लिए, तब भगवान देखते हैं बेटा सच्चा है, बेटा सच्चा है, रह तू, तुझे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। पर ऐसी सनक होनी चाहिए साधक के भीतर। तो भैया गिरधर लाल जी ने कहा प्रीतम प्रीत ही तो पहिए, और भगवान का भजन करने लगा, भगवान का भजन करने लगा। कई दिनों तक उसने, मतलब सालों तक भजन किया। भजन करने के बाद रोता था
गिरधर लाल जी ने कहा जब भगवान से तेरा प्रेम हो जाएगा ना प्यारे, उस दिन तू एक नाम भी बोलेगा ना तेरा रुदन होगा, कीर्तन करेगा ना तेरी आंखें भरी आएंगी, कथा सुनेगा तेरी हिचकियां बंध जाएंगी, तेरे अश्रुपात होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कई साल भजन किया और एक दिन कहा जाकर के गिरधर लाल जी से कहने लगे कि गुरुदेव जैसा आपने कहा था मैं बहुत प्रयास करता हूँ, कीर्तन भी करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ और तरह तरह के साधन जो आप बताते हैं वो भी करता हूँ, पर मेरे ना रुदन नहीं आ रहा है। तो गिरधर लाल जी ने कहा कि बेटा रुदन नहीं आ रहा तेरे? कह रहे नहीं आ रहा गुरुदेव। कह रहे आ मेरे गले लग जाए एक बार, आ मेरे गले लग जाए एक बार। और जैसे ही गिरधर लाल जी ने उस वैश्य के लड़के को गले से लगाया तो गिरधर लाल जी स्वयं रोने लगे, और जैसे ही वो स्वयं रोने लगे तो वो जो शिष्य था वो भी रोने लगा, और गुरु शिष्य दोनों रोने लगे, और मध्य में भगवान प्रकट हो गए श्री कृष्ण। मध्य में भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा गुरु चेला इधर भी देख लो, इधर भी देख लो। और महाराज दर्शन हुए तो गिरधर लाल जी ने तो दर्शन करे अच्छे से, जो उनके शिष्य थे उन्होंने बस एक झलक देखी भगवान की, और भगवान इतने में मतलब देख ही रहे थे पूरा, इतने में भगवान अदृश्य हो गए। तो उनके मन में रह गई गुरुदेव जी भर के नहीं देख पाया, गुरुदेव जी भर के नहीं देख पाया, जैसा देखना चाहिए था वैसा नहीं देख पाया। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई नहीं पूरा दर्शन फिर करवाएंगे तुझे। और गिरधर लाल जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु उसे आपने पूरा दर्शन क्यों नहीं दिया, एक झलक क्यों दिखाई? तो कहने लगे कि ये संत सेवा तो बहुत अच्छी करता है पर ये अपनी पत्नी को बहुत डांटता है इसकी पत्नी संत सेवा करना चाहती है, ये उसे करने नहीं देता, खुद खुद करता है। तो उन्होंने अपने शिष्य को बताया, कह रहे अच्छा ऐसा भी भगवान सोचते हैं क्या ऐसा ही भगवान सोचते हैं क्या? और जाकर के उस दिन से उन्होंने अपनी पत्नी को डांटना बंद किया और कहा खूब संत सेवा करो तुम भी। संत सेवा करने लगी, उसके बाद फिर दोबारा भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया उन्हें, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। किसकी कृपा है ये? गुरुदेव की कृपा है। कितना असाधन भजन, खूब सत्संग करा फिर भी अश्रुपात नहीं हुआ, पर गुरुदेव ने एक बार कंठ से लगाया, एक बार कंठ से लगाया। तो गुरुदेव भी क्या देखते हैं कि भैया पहले उसके जो श्रम करने का जो वेग है ना भीतर कि मैं कुछ करके पा लूंगा, उस श्रम को हटवाते हैं, कर और भजन कर और सत्संग कर, और जब वो वेग हट जाता है तब भगवान और गुरुदेव कृपा कर देते हैं कि अब ये करने का इसके अंदर जो अभिमान था ना कि मैं ये करके ये करके ये करके पा लूंगा वो सब हट जाता है। गुरुदेव कहते हैं अब आ जा, अब होगी तुझ पर कृपा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। हरि बोल, आरती कर लेते हैं, पूज्य भैया नहीं आएंगे। राज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय।